तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा आज डबल हेडर थ्रिलर में। और भैया ये शाम का मुकाबला ना पड़ोसी बनाम पड़ोसी है, एक तरफ है भौकाल वाले लखनऊ तो दूसरी तरफ है थोड़े से दिल वाले दिल्ली। आमने सामने होंगे मुस्कुराते हुए मुस्कुराने वाले शहर में। लेकिन भैया पहले आप यहाँ नहीं कहा जाएगा, यहाँ बोला जाएगा पहले हम जीतेंगे और आपको हराएंगे, लखनऊ बनाम दिल्ली कैपिटल्स। चलिए करते हैं टॉप क्वालिटी प्लेइंग 11 कंपैरिजन, 11 जानते हैं और करते हैं फिर हमारी प्रिडिक्शन। अब वैसे पहले मुकाबले में 3 में से 2 प्रिडिक्शन हमारी सही हुई और हमने उसमें सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन की थी कि बेन स्टोक्स का दिन नहीं होने वाला है। बहुत लोगों ने बोला नहीं भाई, लेकिन ऐसा ही हुआ। एंड मतलब चलो ठीक है, प्रिडिक्शन तो मतलब वो तो मजाक की चीज है, सही गलत होती रहती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉप क्वालिटी कंपैरिजन और उसको करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, क्या आप लोग को पता है कि कल भैया जिन लोगों ने हमारी फैंटेसी टीम क्रिएट की थी विजय भव एप्लीकेशन पर जाकर, आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप मतलब हर एक कॉन्टेस्ट जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया था वहां पर नंबर 1 रैंक आई थी। और भाई यही फायदा है विजय भव एप्लीकेशन का, इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस पूरे इंडियन T20 लीग के दौरान अगर आप कहीं फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो सिर्फ इसी एप्लीकेशन पर बनाइए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना कम है कि जीतने के चांसेस हमेशा आपके सबसे ज्यादा रहेंगे। और हमारी टीम के साथ जिन्होंने खेला उन्होंने क्लीन स्वीप किया। अब आज के भी मुकाबले में यही होने वाला है, आज भी आप लोगों को पूरा क्लीन स्वीप कराएंगे, ऐसी टीम देंगे ना कि भैया आप भी भौकाल मचाएंगे, आप भी यहां पर हजारों बनाएंगे, लाखों बनाएंगे। कल हमें लगभग वो कितना, वो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था कुल मिलाकर। तो ऐसे में अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हो तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, कहीं और जाकर पैसे मत वेस्ट करिए। विजय भव ऐप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, फटाफट से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और ऐसे में हम यहां पर बात करते हैं सीधा दोनों टीमों के इकाना स्टेडियम में इस मुकाबले की प्लेइंग 11 के बारे में, किस तरीके की प्लेइंग 11 दोनों टीमों की होगी। तो भैया लखनऊ सुपर जायंट्स टीम, अब इनके लिए इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक है नहीं, तो ऐसे में कौन ओपन कर सकता है? मैं चाहता हूं कि ये यहां पर 3 विदेशी के साथ उतरे, एक मतलब एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बाद में विदेशी खिलाएं, पर रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ये टीम काइल मेयर्स को खिलाना चाहती है। तो ऐसे में चलिए हम वही मानकर चलते हैं और ऐसे में प्लेइंग 11 में आपको केएल राहुल एंड काइल मेयर्स ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, देन मार्कस टोनी एट नंबर 3, दीपक हुड्डा एट नंबर 4 एंड निकोलस पूरन एज विकेट कीपर एट नंबर 5, और उसके बाद आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्क वुड, रवि विश्नोई, आवेश खान एंड मे बी जयदेव उनादकट, क्योंकि मोहसिन खान तो भैया फिट नहीं है और वो इस टीम को थोड़ा सा सुपर हिट बनाने से रोक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि फिर से मैं बताऊंगा, अगर मुझे मेरी टीम क्रिएट करनी होगी तो मैं काइल मेयर से ओपन कराऊंगा नहीं, आप दीपक हुड्डा से ओपन करा दो या फिर आप मनन वोहरा को खिला लो और आप फिर ना 3 विदेशी के साथ उतरोगे और बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर आप यहां पर बाद में गेंदबाजी करने जाते हो तो फिर आपके पास विकल्प है कि आप डैनियल सैम्स को टीम में ड्राफ्ट इन कर लो, या फिर आप इनफैक्ट अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो बाद में तो आप काइल मेयर्स को ड्राफ्ट इन कर सकते हो, अपनी बल्लेबाजी मजबूत कर सकते हो। सो ये ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, बट देखते हैं कि यहां पर लखनऊ टीम क्या करती है। और रही बात दिल्ली कैपिटल्स टीम की, तो इनकी प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे डेविड डायनामाइट वार्नर, पृथ्वी शॉ टू ओपन, देन मिचेल मार्श एट नंबर 3, यश धुल मुझे लगता है खेलेंगे भैया, और उसके बाद सरफराज खान, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एज इट इज हैं, और फिर चेतन, खलील एंड मुकेश मुझे लगता है खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि टीम के पास कमलेश भी हैं, पर आई थिंक मुकेश जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की लय में हैं, शायद ये खेले, क्योंकि इस टीम के बहुत सारे प्लेयर्स लुंगी अंगेड़ी, मुस्तफिजूर अवेलेबल अभी हैं नहीं, वो अवेलेबिलिटी में अभी भी थोड़ा सा उनके आने में देरी है भैया, तो कहीं देर इनके लिए ना हो जाए। लेकिन चलिए बात करेंगे, देखेंगे ना कंपैरिजन में कौन सी टीम आगे निकलती है, क्या दिल्ली दुरुस्त है या फिर लखनऊ मुस्कुराएगी इस मैच में। बात करते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन की, और कप्तान है कमाल लाजवाब राहुल, और आंकड़े क्या कहते हैं कि भैया 42 मुकाबले 20-20, 20-20, 50-50 का मामला है कप्तानी में इनका। और मैं कहूंगा आई डू एग्री, कंप्लीटली एग्री, एक्चुअली इनकी कप्तानी में ना वो 50-50 का ही मामला है। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज कैप्टेंसी स्किल्स। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट डेविड डायनामाइट वार्नर, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, 2016 कैप्टन, आईपीएल विनिंग कैप्टन। तो ऐसे में देखिए इनकी तुलना है नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है। एंड व्हेन यू गोना कंपेयर विद केएल राहुल, डेफिनेटली मैं यहां पर डेविड डायनामाइट वार्नर को ही चूज करूंगा, और उसका बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजन आप सभी लोग समझते हैं। और इसके बाद दोस्तों रही बात रेटिंग्स की, तो केएल राहुल को मैं दूंगा 4 स्टार एंड डेविड डायनामाइट वार्नर को 4.5 स्टार देना चाहता हूं, क्योंकि केएल राहुल ने आईपीएल में देखो खराब कैप्टेंसी ऑनेस्टली बताऊं की भी है, पर जब से गौतम गंभीर के साथ है काफी सुधार भी आया है, तो उन सभी चीजों के मिक्सर को ध्यान में रख के ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, और इंप्रूव हुआ है हमारा फैंटेसी एक्सपीरियंस जब से हम विजय भव पर फैंटेसी टीम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहां पर है बहुत सारे हेड टू हेड गेम्स में
2% कमीशन। तो सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस में आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और हाई रिवॉर्ड जीतते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बिल्कुल ही कम है, तो आप जीत आसानी से जाते हो, बहुत कम पॉइंट्स के साथ जीत जाते हो। और साथ ही साथ यहां पर तो इनफैक्ट रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको फैंटसी क्रिकेट खेलनी है, आपको भी हजारों लाखों बनाने हमारे जैसे जैसे हम बना रहे हैं, विजय भाव ऐप पर ही बना रहे हैं, प्रूफ भी शेयर कर रहे हैं हमारे फैंटसी चैनल पर, अगर आप भी करना चाहते हो तो क्या करना रहता है, बस जो लिंक है वहां से जाकर डाउनलोड कर लो और अपने दोस्तों को रेफर कर लो। वो डाउनलोड करेंगे आपको रियल कैश मिलेगा, जिसे आप चाहें तो आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो या फिर आप उसे आसानी से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और अपने मतलब मनी को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आप अपनी टॉप क्वालिटी टीम क्रिएट करते हो। तो भाई विजय भव ऐप पर सब कुछ है, अगर आप भी अब मतलब अभी भी इंतजार कर रहे हो तो मेरे समझ से आप इंतजार ही करते रह जाओगे। मेरे भाई करो मत, ऐसा ना करो, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, फटाफट से जाइए डाउनलोड करिए, हमारे फैंटसी चैनल को ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर दिन वहां पर टॉप क्वालिटी फैंटसी टीम मिल रही है, बनाइए, आप भी जीतिए और सबको जिताइए। और ऐसे में दोस्तों आगे बढ़े, बात करें यहां पर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में। तो भैया पंजाब किंग्स टीम में आपको नजर आएंगे कमाल लाजवाब, राहुल, काइल मेयर्स, मार्कस टोनिस, और दिल्ली कैपिटल्स में डेविड डायनामाइट वार्नर, पृथ्वी शॉ एंड मिचेल मास। लेट्स कंपेयर कमाल लाजवाब, राहुल बनाम डेविड वार्नर। भाई क्या ही टफ कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि केएल राहुल 109 आईपीएल मुकाबले, लगभग 4000 रन, 48 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। देन देयर इज डेविड डायनामाइट वार्नर, लगभग 6000 रन, 5881 रन, 42 की एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। तो भाई क्या ही टफ कंपैरिजन है। अब देखिए ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो केएल की फॉर्म ओडीआई में तो आ चुकी है, डेविड की फॉर्म थोड़ी सी हाल फिलहाल में डामाडोल रही है, एंड ये चीज यहां पर केएल को स्लाइटली एडवांटेज देता है। वैसे केएल की भी फॉर्म इसके पहले बहुत खराब थी, बट थोड़ा बहुत लय में आए हैं। सो हाँ, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का कंपैरिजन है। बट शायद केएल राहुल थोड़ा सा इस वक्त आगे निकलते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात हो यहाँ पर काइल मेयर्स बनाम पृथ्वी शॉ, कोई कंपैरिजन है नहीं, ऑब्वियसली पृथ्वी शॉ, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। काइल मेयर्स उतने मैचेस खेलते नहीं है, एंड पृथ्वी नाम पृथ्वी है, ये छक्के आकाश में ही लगातार लगाते हैं। और उसके बाद मार्कस टोनिस बनाम मिचेल मार्श, देखिए मिचेल मार्श अपनी ड्रीम फॉर्म में है, ड्रीम लय में है, वैसे शायद मैं कंपेयर करता, पर इस वक्त के मिचेल मार्श को आप किसी से कंपेयर करिए मत, क्योंकि तुलना ना वो थोड़ी सी नाजायज सी हो जाएगी, बहुत रन बना रहे हैं। सो फॉर श्योर मिचेल मार्श इन माई टीम, एंड देन ऐसे में टॉप ऑर्डर में एक्चुअली वो थोड़ा सा पड़ला आपको नजर आता है दिल्ली कैपिटल्स का भारी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लखनऊ मजबूर है, लखनऊ बहुत मजबूत है, बात सिर्फ ये है कि दिल्ली का भी टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है, और इसलिए रेटिंग्स में लखनऊ को मिलते हैं 4.5 स्टार, मतलब 4.5 स्टार पर भी अगर आप पीछे हो तो सामने वाली टीम को कितने स्टार मिले, 4.8 स्टार, और शायद ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रेटिंग है अगर मैं किसी भी टीम को किसी भी फेज में दे रहा हूं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास वो फायर पावर है, आई मीन वार्नर, पृथ्वी और मार्श, क्या ही कॉम्बिनेशन है। खैर इसके बाद दोस्तों बात हो दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में, तो आपको नजर आएंगे यहां पर दीपक हुड्डा, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी एंड कृणाल पांड्या, तो वहीं पर यशदुल, सरफराज, रोमन एंड अक्षर हैं दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में। चलिए फटाफट कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल समय लगेगा नहीं, क्योंकि दीपक हुड्डा बनाम यशदुल, यशदुल नेट्स में तबाही मचा रहे हैं, पर दीपक ने ना थोड़ा सा मैदान में वो काम करके दिखाया है, तो मतलब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो कौन देखता है, वो तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। अभी दीपक ने ही अपना कुल का दीपक जलाया है, तो उन्हीं के साथ हम जाएंगे। निकोलस पुरन बनाम सरफराज खान, अब देखिए फिर से वही बात आती है कि ऑनेस्टली ये बहुत टफ कंपैरिजन है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं पुरन को पिक करूं, फिर मैं कहता हूं पुरन भी तो पिछले आईपीएल में बहुत खराब फॉर्म में थे, हां ऑफ लेट अब हाल फिलहाल में उनकी फॉर्म दुरुस्त हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो फिर सभी ने रन बनाए, वहां तो रनों की बरसात हो रही थी, तो ऐसे में आप किस बेसिस पर पिक करेंगे, क्योंकि सरफराज तो बहुत अच्छा करते हैं। सो इट्स वेरी टफ ऑनेस्टली, अगर मैं पुरन को पिक करता हूं मुझे लगता है मैं सरफराज के साथ ना इंसाफी कर रहा हूं, सरफराज को पिक करता हूं तो मुझे लगता है पुरन के साथ। सो इट इज वेरी टफ ऑनेस्टली फॉर मी, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, ईमानदारी से कंपेयर करो कि आपके समझ से कौन यहां पर ज्यादा प्रायोरिटी में है, और अपना कारण दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि आप उस खिलाड़ी को पिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों बात करें आयुष बदोनी बनाम रोमन पावल, देखिए ऑब्वियसली पावल, देखिए पावल के पास पावर है और बहुत ज्यादा पावर है, ऑफ लेट उनकी फॉर्म भी लाजवाब है, एंड देन कृणाल पांड्या बनाम अक्षर पटेल, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एक्चुअली कृणाल पांड्या थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ने बहुत इंप्रोवाइज हाल फिलहाल में किया और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो लगातार अब टीम का हिस्सा रहते हैं। सो ऐसे में बहुत ही क्लियर आपको नजर आ रहा है दोस्तों कि यहां पर जो पड़ रहा है वो दिल्ली कैपिटल्स टीम का काफी ज्यादा भारी है मिडिल ऑर्डर में, और इसीलिए रेटिंग्स में एलएसजी टीम को मैं 3.8 स्टार दूंगा और दिल्ली कैपिटल्स को मिलते हैं 4.5 स्टार्स, क्योंकि दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। और इसके बाद बात हो यहां पर दोनों टीमों के ऑलराउंड कंपैरिजन के बारे में, तो लखनऊ में आपको नजर आएंगे आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्कस टोनिस, काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, और दिल्ली कैपिटल्स में भाई सिर्फ दो ऑलराउंडर हैं, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श है पर वो
गेंदबाजी हाल फिलहाल में कर नहीं रहे, हमें नहीं पता वो इस मैच में करेंगे नहीं करेंगे, सो फॉर दैट रीजन दिस इज ट्रिकी, क्योंकि फिर यहाँ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भाई, इतने विकल्प हैं लखनऊ के पास कि ऑब्वियसली वो डोमिनेट करेंगे। तो 4.2 स्टार फटाफट से दे दीजिए लखनऊ को, और दिल्ली कैपिटल्स को मिलते हैं 3.5 स्टार, एंड विच इज जस्टिफाइड, क्योंकि वैसे पावेल और अक्षर बहुत बेहतर विकल्प हैं दिल्ली के पास, इसीलिए 3.5 स्टार मैंने उनको फिर भी दिए हैं, बट लखनऊ के पास बहुत विकल्प है, बहुत ही ज्यादा विकल्प है। और ऐसे में बात करें हम यहां पर दोनों टीमों के स्पिन कंपैरिजन की, लखनऊ के पास हैं बिश्नोई, क्रुणाल, दीपक हुड्डा, तो दिल्ली के पास वैसे दो ही विकल्प हैं लेकिन कमाल के हैं, कुलदीप एंड अक्षर, कुल हैं कुल के दीपक, एंड स्पेशली इस बार दिल्ली में अपने होम वेन्यू पर खेलेंगे, वो तहलका मचाएंगे। इनफैक्ट इस गेम में भी लखनऊ भी थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली हो सकती है, पिच देखूंगा तो पता चलेगा पर हो सकती है। सो ऐसे में भाई बहुत सीधी सी बात है कि लखनऊ को मिलते हैं 4 स्टार और दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ एक मार्जिन से मैं आगे रखूंगा, 4.1 स्टार। आप कहोगे कि भाई लखनऊ के पास 3 ऑप्शन, इनके पास 2, लेकिन आपने ज़्यादा पॉइंट दिल्ली को दिए। दिल्ली दुरुस्त है यार, इनके स्पिन ऑप्शंस मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि अक्षर और कुलदीप की जोड़ी ना इज जस्ट फैंटास्टिक, एंड फॉर दैट रीजन गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, मुझे लगता है यहाँ पर इनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। और उसके बाद बात करें दोनों टीमों के पेसर्स के बारे में, तो लखनऊ के पास है मार्क गुड, आवेश खान, जयदेव उनादकट एंड मार्कस स्टोइनिस, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के पास आपको नजर आएंगे चेतन, खलील, मुकेश एंड रोमन पावल। देखिए बात यह है ना कि दिल्ली के पास गेंदबाज अच्छे हैं, मतलब पर अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, नहीं है, पीछे हो जाएंगे, आपको भी पता है ये पिछड़ जाएंगे। और वहीं पर लखनऊ के पास भी मोहसिन खान होते तब तो ये बहुत आगे निकल जाते, वो नहीं है तो थोड़ा सा ये भी है पीछे, बट स्टिल दे आर मोर डोमिनेटिंग इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो पेसर्स में लखनऊ को मैं दूंगा 3.8 स्टार और दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिलते हैं 3.5 स्टार। और ऐसे में दोस्तों इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और ऐसे में दोस्तों अगर मुझे अब इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के देना हो दोनों टीमों को फाइनल रेटिंग, तो भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स को मिलते हैं 4.4 out of 5 और दिल्ली कैपिटल्स को मिलते हैं 4.5 अंक 5 में से, जो कि दर्शाता है कि क्या ही टफ कॉम्पिटिशन है, ये टफेस्ट कॉम्पिटिशन है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सी टीम का पड़ला भारी है। दिस इज हाउ इट इज भाई, ये बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, ये तो आप मान के चलिए, ये आप जान के चलिए। और ऐसे में आपको क्या लगता है कौन मुकाबला जीतेगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और साथ ही साथ हम भी प्रिडिक्शन कर ही देते हैं लगे हाथ। अब देखिए मेरी पहली प्रिडिक्शन ये है ना कि केएल राहुल और पृथ्वी शॉ यहां पर 50 प्लस लगाने वाले हैं, मतलब इनका कंबाइन टोटल 50 प्लस से ज्यादा रहेगा, और भी ज्यादा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और उसके बाद दूसरी प्रिडिक्शन ये है ना, बोल्ड प्रिडिक्शन वंस अगेन, स्टोइनिस, पूरन, मार्श, ये 3 बड़े नाम हैं इन टीमों में, ये 3 में से कम आप समझ लो 2 तो फ्लॉप 2 चलो 1 तो कम से कम फ्लॉप जाएगा, मतलब गारंटीड मुझे ऐसा लगता है फ्लॉप जाने ही वाला है। तो भैया फैंटसी टीम में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, विजय भोपर तैयार करेंगे हमारे फैंटसी चैनल पर, टॉप क्वालिटी टीम तैयार करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ये मुकाबला जीत रही है, क्या जीत रहे हैं, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही होगी, चलिए वी शैल फाइंड आउट, पता चलेगा हमें। आपको क्या लगता है लखनऊ जीत रही है या दिल वालों की दिल्ली बाजी मार रही है, कमेंट आप ही के लिए, फटाफट से आएं अपनी राय अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर से जरूर शेयर करें। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, तो प्लीज अपना प्यार अपना सपोर्ट बरसाएं। आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंटेंट, न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी चीजें मैं रेगुलर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और ऑल्सो मेक श्योर कि आप विजय भाव एप्लीकेशन पर डाउनलोड करें और वहीं पर इस पूरे इंडियन T20 लीग में खेलें, क्योंकि दोस्तों सच में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, हम हर दिन जीत रहे हैं, आप भी जीतेंगे एक बार जरूर ट्राई करें। और टीम तो हम दे ही रहे हैं, हमारी फैंसी टीम हम तो चैनल पर आ ही रही है, तो किस बात की दिक्कत है, फटाफट जाइए डाउनलोड करिए। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।